बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता क्या है और कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे हम कैसे लिखेंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता क्या है। तो कंपेयर का मतलब है मुआजना करना, यानी दो चीज़ों में एक जैसी बातें बयान करना। परस करें दो चीज़ें हैं आपके साथ और इनमें आप सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो, यानी एक जैसी खासियत ही आप इसमें ढूंढ रहे हो, तो उसको कंपेयर कहा जाता है। अब कंट्रास्ट क्या होता है? तो कंट्रास्ट का मतलब है दो चीज़ों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, यानी दो चीज़ें हैं आपके साथ और आप इसमें ऐसी खासियत ही ढूंढ रहे हो जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो कंपेयर के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो है द सेम एज, या एज ब्यूटीफुल एज, या सिमिलर टू, या जस्ट लाइक, या रिसेम्बल्स। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन में, ये कंपेयर में। और जो कंट्रास्ट है उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है मोर देन, वाइल, वेयर इज, डिफरेंट फ्रॉम, अनलाइक, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। इसी तरह के वर्ड्स कंट्रास्ट में यूज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे के बारे में कि आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कैसे लिखेंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पेपर्स में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दो चीज़ें दिए हुए होंगे और आपको कहेंगे कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन दिस टू थिंग्स, या क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह के आते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन हॉस्टल लाइफ एंड होम लाइफ, या आते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, या इस तरह भी आ सकते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, और इस तरह के भी आते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन उर्दू मीडियम स्कूल और एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो पेपर में आते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन होम लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ। तो आप ज़रा सोचिए कि होम लाइफ में क्या होता है और हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, और ये दोनों यानी हॉस्टल लाइफ और होम लाइफ एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि इन हॉस्टल और कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी एट होम, या इन हॉस्टल वी लिव अमंग आवर फ्रेंड्स एंड रूममेट्स, वेयर इज एट होम वी लिव अमिड आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स। इस तरह के आप लिख सकते हैं, और आप इसे भी लिख सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ हैज अ डिसिप्लिन एंड फिक्स्ड रूटीन, वेयर इज होम लाइफ इज केयर फ्री एंड फ्लेक्सीबल एंड अनलाइक होम लाइफ। इन हॉस्टल लाइफ वी लर्न टू लिव विद डिफरेंट फेलोज हु कम फ्रॉम डिफरेंट होम, और ये भी आप लिख सकते हैं कि इन होम द लाइफ इज वेरी जॉयफुल, हियर एवरी वन एंड एवरी थिंग इज आवर ओन, बट हॉस्टल लाइफ हैज समथिंग स्पेशल दैट वी मिस थ्रू आउट आवर लाइफ। तो इसी तरह के आप लिख सकते हैं, यानी आप सोचिए और आप कंपैरिजन करें और कंट्रास्ट करें, यानी हॉस्टल लाइफ में होता क्या है और होम लाइफ में क्या होता है, होम लाइफ में आप क्या करते हैं और हॉस्टल लाइफ में आप क्या करते हैं, इन दोनों में सेम कौन सी चीज़ें हैं और डिफरेंट एक दूसरे से कौन सी चीज़ें हैं। तो इसी तरह के आप लिख सकते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। तो ये थी जो कि आज हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए, और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सके। तो बहुत शुक्रिया।